कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल से मैं आप सबका फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। सोया ऑयल में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से प्लांटों में मध्य प्रदेश में एमएसपी के बाद खरीदारी होने के बाद किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है, वो भी जानकारी आपको देंगे। लातूर प्लांट के भाव, साथ ही साथ आपको एमपी प्लांट के भाव और साथ ही आपको सोया ऑयल के भाव के बारे में भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश आपको करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग आप 9:45 का हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। तो लातूर की अगर बात करी जाए तो बीते दो दिनों में बढ़िया बाजारों में सोयाबीन में तेजी देखी। किसान मित्र की अगर बात करें तो 4650 रुपए का भाव बाजारों में सोयाबीन का रहा। अगर ऑक्टागन की बात करी जाए तो 4600 रुपए भाव बोला गया। धनराज का बाजार 4750 रुपए, अरिहंत का बाजार 4650 रुपए रहा। अगर धुलिया प्लांट में दीसान की बात करी जाए तो 4700 रुपए भाव रहा। नादेड़ में श्रीनिवास एग्रो का बाजार 4580 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सोया ऑयल महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो दीसान का भाव 1280 रुपए रहा, जबकि धनराज का भाव 1250, गोयल कोटा का बाजार 1280 रुपए, एग्रोसीन का बाजार 1212 रुपए बोला गया। एमपी सोयाबीन प्लांट की अगर बात कर लेते हैं तो प्रकाश प्लांट का बाजार 4671 रुपए, प्रेस्टीज प्लांट का बाजार 4675 रुपए, अभी प्लांट का बाजार 4725, महेश प्लांट का बाजार 4700 रुपए बोला गया। अब चर्चा कर लेते हैं सोया प्लांटों की क्या स्थिति रही। सोया में एमपी प्लांट में प्रकाश का बाजार 1275 रुपए रहा, जबकि धानुका का बाजार 1265, बीपी का बाजार 1282, एबी का बाजार 1275 रुपए बोला गया। तो सोया तेल में भी आप देखेंगे तो बीते 3 से 4 दिनों में एक बढ़िया तेजी देखी गई है और आप देख के चल सकते हैं लगभग निचले स्तर से 4 से 5 रुपए किलो की तेजी के साथ कामकाज, और सोयाबीन के बाजार में लगभग 200 रुपए से ज्यादा तेजी का के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि एमपी में सरकार ने बोला है कि एमएसपी पे रेट पे खरीदारी करेंगे, उसके बाद से कीर्ति प्लांट जैसे सोयाबीन वगैरह में भी आप देखेंगे 200 रुपए की तेजी, 4700 रुपए वाला बाजार सीधे 4900 रुपए होता हुआ नजर आया। इसी तरीके से लोकल बाजारों में जो 4500 रुपए भाव चल रहा था वो 4700 रुपए तक भाव बनता हुआ दिखाई दिया। तो बाजारों में एक अच्छा मार्केट पे ट्रेंड है। विदेशी बाजारों से अच्छी खबरें आ रही है, अर्जेंटीना वगैरह में जो ब्राजील से खबरें आ रही है वहां पर मौसम शुष्क है, कटाई की रफ्तार थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सीबोट सोयाबीन में भी जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज हो रहा है, उसका असर की वजह से आप देख के चल सकते हैं यहाँ पर बाजारों में तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो मार्केट पे दिवाली से पहले बढ़िया तेजी है और बढ़िया तेजी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।